अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन छोला मसाला की रेसिपी, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी एक कुकर। कुकर को मैं कर ली हूँ गर्म। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तेल। तेल मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस हुई प्याज। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ खड़े मसाले। तो मसाले में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्च 4 से 5, लौंग 2 से 3 और 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ। ये सब खड़े मसाले में ऐड करने के बाद प्याज को हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि जो प्याज है हल्की पिंक टाइप की हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हल्की बस प्याज को हम सॉफ्ट करेंगे, ताकि जो प्याज है तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मटन। तो मैं मटन को पहले धो के साफ़ कर ली थी। मैं मटन ली हूँ 1 किलो। मटन ऐड करने के बाद इसको हम एकदम अच्छे से मटन को भून लेंगे, ताकि जो मटन का जब तक के कलर चेंज ना हो जाए, मटन जब तक के वाइट ना हो, तब तक के हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए एकदम अच्छे से फुल आंच पे इसको भून लेंगे, ताकि मटन का भी कलर जो है एकदम अच्छे से चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो मैं मसाले में ली हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बुकी लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी। उसके बाद मैं इसके अंदर गोश्त में मैं ऐड कर दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद उसको मैं भून ली थी। फिर उसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ सारे भुक्के मसाले जो अभी मैं आपको बताई, वो सब मसाला भी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लो। फिर ये सबको एकदम अच्छे से मैं भून ली हूँ। अब मैं इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको धीमी आंच पर अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो मसाला अच्छे से भुना जाए। इस तरीके से मैं मसाला अच्छे से भुना चुका था। अब जो हम चना था, मैं उसको रात में भिगा के रख दी थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी काबुली चना, जिसको हम छोला चना भी बोलते हैं। चना ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको गोश्त और चने को गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 सीटी फास्ट पे, 5 मिनट चिलो पे, ताकि जो गोश्त एकदम अच्छे से गल जाए, क्योंकि गोश्त पहले से एकदम अच्छे से हम इसको भून लियो, तो गोश्त गल जाएगा एकदम अच्छे से। तो गोश्त यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से गल चुका था, गोश्त भी चना भी आप देख सकते हो। अब मैं इसको एकदम अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए रहेगी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऊपर से ऐड कर दूंगी फ्रेश कटी हुई धनिया और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट। और मेरा ये मटन छोला मसाला की रेसिपी तैयार है। आई होप आप लोग मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।